हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। देखिए 53 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड करा है, आज 1% की यहां पर गिरावट देखने को मिली। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग का बिजनेस मॉडल कैसा है और क्या ये हाल फिलहाल की जो कोरोना सिचुएशन है उसमें सस्टेन कर पाए, ऐसा बिजनेस मॉडल है कि नहीं, और इस प्राइस पर जब शेयर इतना सस्ता मिल रहा है तो खरीदना चाहिए कि नहीं, और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग का शेयर 53 रुपीज के ऊपर अवेलेबल है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 9.5 से 10% की गिरावट है। 65 रुपीज तक का हाई था, गिरावट आई तेजी आई। 52 रुपीस तक भी ये टूट चुका है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 57% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 48 रुपीस तक का लो बना था और वो जस्ट मार्च महीने में बना था, 24 मार्च को ये बना था, और बाद में बाउंस बैक जरूर किया, बढ़िया बाउंस बैक किया, लेकिन वापस शेयर टूट रहा है। देखिए 136 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, अब वापस इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है कि किसी ने सोचा तक नहीं था कि एलएनटी फाइनेंस इस शेयर इस कदर टूट भी सकता है। 3 साल का भी सबसे बड़ा लो 48 रुपीज है और वो भी जस्ट अभी बना है, 211 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है। 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। 2011 में इसका आईपीओ आया था, तब से लेकर अब तक देखिए 40 रुपए तक का लो है और वो बहुत करीब है। बढ़िया बाउंस बैक इसमें देखने को मिला था 2016 के बाद से, एक बहुत बड़ी रैली आई थी और शेयर सीधा 211 पर भी पहुंच चुका था। देखिए मिड कैप स्टॉक है, 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 1,27,00,000 के आसपास का हमें वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो भैया प्रमोटर भी थोड़े बहुत शेयर बेच रहे हैं, एफआईएस बेच रहे हैं और म्यूचुअल फंड भी बिकवाली कर रहे हैं। प्रमोटर के पास जो पहले 63.86% की होल्डिंग थी वो 63.72% की होल्डिंग है, थोड़ी सी होल्डिंग कम की है उन्होंने। एफआईएस के पास जो पहले 12.49% की होल्डिंग थी वो 10.60% की होल्डिंग है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है और म्यूचुअल फंड ने भी जो पहले 0.80% की होल्डिंग थी वो 0.56% की होल्डिंग है, तो म्यूचुअल फंड ने भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी गिराई है। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है, जो पहले 3.16% की थी वो 3.20% है। प्रमोटर देखिए यहाँ पर कौन है, बहुत बड़ा नाम है प्रमोटर में, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, 63.72% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिर भी नहीं है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगा, 105 एफआईएस भी यहां पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो बीसी इंडिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास 3.18% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12% की देखने को मिली है, 9% का डिविडेंड भी पे किया, मतलब 90 पैसे पर शेयर का डिविडेंड इसी साल मार्च महीने में इन्होंने पे किया है। तो देखिए एलएनटी फाइनेंस के बारे में सबसे पहले हम उनके बिजनेस को जानते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट है एलएनटी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए कौन कौन सी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें सबसे पहली सर्विसेज है वो है टू व्हीलर फाइनेंस। तो देखिए आप अगर गाड़ी खरीदते हैं कोई भी टू व्हीलर, तो वहां पर वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि भैया पैसा वो लोग चुका देते, फिर आपको इनको किस्तों में पैसा देना होता है। हाउसिंग फाइनेंस भी वो लोग करते हैं। फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस, तो मतलब ये कि भैया आप ट्रैक्टर खरीद रहे हो या फिर कोई भी सामान खरीद रहे हो अपने फार्म के रिलेटेड, तो उसका भी यहाँ पर ये लोग फाइनेंस करते हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी फाइनेंस देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट फाइनेंस भी है। माइक्रो लोन्स, मतलब ये छोटी छोटी लोन, जैसे कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आप लोन लेते हो, तो माइक्रो लोन यहाँ पर इंफ्रा, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेटअप करना है, बिल्ड करना है, उसके लिए भी लोग लोन्स यहाँ पर लेते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जिसमें से अगर हम बात करें तो रियल अगर हम देखें तो जरूर ये सारी चीजें आने वाले दिनों में अफेक्ट होने वाली है, क्योंकि टू व्हीलर्स लोग शायद उतनी ज्यादा खरीदारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो भैया बहुत कम लोग आपको अब आने वाले दिनों में घर खरीदते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि जो सिचुएशन है कि भैया लोगों के पास पैसा ही नहीं है, काफी लोगों की नौकरियां तक जा रही है, तो ऐसे में लोग घर खरीदने का तो सोच ही नहीं सकते आने वाले दिनों में। माइक्रो लोन्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी सरकार के द्वारा जो अभी नई गाइडलाइन जारी की गई है बैंक को, तो उसे बताया गया है कि भैया आप लोगों को बिना गारंटी के भी लोन दे दो, तो जब बैंक से ही लोगों को लोन मिल जाएगा तो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत कम यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन फिर भी एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि अभी भी इनकी मार्केट प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और जैसे जैसे कोविड-19 का खतरा खत्म होगा
और धीरे धीरे इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी। तो याद रखें ये सारी लोन्स की लोगों को जरूरत पड़ेगी, और अभी भी लोग लोन लेकर काम करना अभी भी लोग पसंद करते हैं, और लोगों की वो नेसेसिटी भी बन चुकी है। किसी ना किसी तरीके से लोगों को लोन की जरूरत पड़ती ही है, चाहे वो घर के लोन को लेकर हो, चाहे वो टू व्हीलर्स के लोन को लेकर हो, चाहे वो फार्म इक्विपमेंट के लोन को लेकर हो, या फिर चाहे कोई माइक्रो उनको, चाहे कोई बिजनेस लोन उनको चाहिए हो छोटा मोटा, तो लोगों को चाहिए ही ये सब। और जो बैकबोन है, एलएनटी का बैकबोन भी है, और जनरली ये सारे वो लोन्स हैं जो रीपे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि टू व्हीलर्स का लोन लिया है, अगर लोग नहीं भी पे कर पाते तो भैया वो लोग गाड़ी लेके चले जाते हैं। फार्म इक्विपमेंट का भी वही सीन देखने को मिल जाता है, जो भी माइक्रो लोन्स लिया जाता है तो उसमें भी कोई ना कोई गारंटी यहाँ पर आपको जरूर रखनी पड़ती है। तो ज्यादातर लोन जो है वो रिकवर हो जाते हैं। और फाइनेंस कंपनी की ये अभी अगर हम बात करें तो भैया गवर्नमेंट ने जो भी राहत दी है वो फाइनेंस कंपनी अभी भी लोगों को नहीं दे रही है, वो अभी भी लोगों से उतना पैसा वसूल ही रही है। वो अभी भी ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाके देखेंगे तो फाइनेंस कंपनी, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या एलएनटी फाइनेंस हो या कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, जो प्राइवेट कंपनी होती है, वो आज भी लोगों से पैसा ले रही है, वो छूट नहीं दे रहे हैं कि भैया आप पैसा मत दो। ठीक है, ऐसी कोई छूट फाइनेंस कंपनी नहीं पे करी है, तो उनकी बैलेंस शीट अभी भी तगड़ी देखने को मिल ही रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है इनकी। पीई 39.96 है, इंडस्ट्री पी 22.25 है, बुक वैल्यू 39 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.34 है, ईपीएस 1.32 है, 1.33 है, और डिलीवरी तकरीबन 13 के आसपास देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मार्च के नतीजे आ चुके हैं, तकरीबन 385 करोड़ का मुनाफा हुआ है, और ये काफी बढ़िया मुनाफा है, क्योंकि इससे पहले हम मानते हैं कि 590 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन सितंबर में 175 करोड़ का प्रॉफिट था, और जून में 550 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में भी 550 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उसके कंपैरिजन में कम जरूर है, लेकिन हम सबको पता है कि कोविड-19 के चलते नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं, वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब मार्च के नतीजे ऐसे हैं तो जून में तो नतीजे और बुरे हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उतने बुरे ना हो। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि एलएनटी फाइनेंस, देखिए पहली चीज एक बहुत बड़ा बैकबोन है इनके पास एलएनटी का, ठीक है, और दूसरी जिस तरीके की लोन ये लोग बांटते हैं ज्यादातर रिकवरेबल हो जाती है, बहुत ही कम ऐसी लोन होती है जो रिकवर नहीं हो पाती है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए कि कोविड-19 के चलते सिचुएशन किसी भी हद तक खराब हो सकती है, तो वो भी हमें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जैसे ही सिचुएशन सुधर जाएगी, याद रखिए फाइनेंस कंपनी में एक बार फिर से हमें तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। 53 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, अगर आपने शेयर खरीदा हुआ है और आप लॉस में हो, और आप में पेशेंस है कि भैया आप कम से कम यहाँ पर 1-1.5 साल तक निवेशित रहेंगे, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बने रह सकते हैं, शेयर बाउंस बैक जरूर कर जाएगा। लेकिन एक चीज आपको आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म में शेयर नीचे जरूर गिरेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये शेयर नीचे जरूर गिरेगा। तो इसीलिए अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, तो जरूर आप कर सकते हो, लेकिन एसआईपी मोड में। जैसे कि मानिए कि आपको 200 शेयर खरीदने हैं, तो 20 शेयर आप 50 के लेवल पर उठाइए, बाद में वेट करें, अगर शेयर नीचे जाता है 45 पर जाता है तो और 20-25 शेयर उठा लीजिए, 40 पर जाता है तो और 25 से 30 शेयर उठा लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ अगर आप खरीदारी करने जाएंगे तो फंस के रह जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में रिकवर कर लेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कितना बॉटम बनेगा, कितना नीचे गिरेगा, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए हम एसआईपी मोड में ही खरीदारी करना यहाँ पर पसंद करेंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप एक साथ सारे के सारे शेयर 50 रुपए के लेवल पर, मान लीजिए कि आप 100 शेयर खरीद लेते हैं और शेयर 40 तक चला गया, अब रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, तो आपका जो पैसा है वो फंसा का फंसा रह जाता है, और आपको लगता है कि यार आपने गलती कर दी। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए प्रॉफिट थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन जल्दबाजी में आकर लॉस नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए एसआईपी मोड में पहले छोटी क्वांटिटी खरीदे, अगर शेयर नीचे जा रहा है तो और थोड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदे, अगर और नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीदे। इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, यही एक अच्छी स्ट्रेटेजी अभी साबित हो सकती है। पैसा है तो बचा के रखिए, गिरावट अभी भी आ सकती है, गिरावट अभी भी थमी नहीं है, मार्केट में जो 1-2 दिन की तेजी थी उस पर भरोसा करके पैसा लगाना सही डिसीजन नहीं होगा, अभी भी गिरावट आ सकती है।
तो बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। और लास्ट में इतना जरूर कहूंगा कि L&T फाइनेंस एक रिस्की शेयर जरूर है, तो रिस्क समझकर ही आप यहाँ पर पैसा लगाइएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।